जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजफ टीवी। अयोध्या के एक संत जिनका नाम है परमहंस आचार्य, उन्होंने कहा था कि अगर 2 अक्टूबर को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो जल्द समाधि ले लेंगे। आज हम उनकी असलियत आपको बताएंगे कि असल में बाबा कौन है। आप पहले उनके उस वीडियो को देखें जिसकी वजह से वो चर्चित में आए थे, वीडियो देखें। तो हमने जो है तो 2 अक्टूबर 2021 तक के लिए समय दिया है। अगर 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म नहीं की गई, तो फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सरजू जी में जल समाधि लूंगा। बाबा की इन सब बातों को सुनकर हर हिंदुस्तानी की जबानी से यही बात निकलती है, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। अब बाबा की मैं आपको असलियत बताता हूँ कि बाबा करते क्या हैं और क्यों इस तरह के बयान देते रहते हैं। खुद आप जी न्यूज के जबानी सुने। अगर हम महंत परमहंस दास के बारे में बताना चाहें तो अयोध्या में ये सबसे अकेले संत है, बाकी जो साधु संत है वो इनसे काफी दूर रहते हैं, क्योंकि ये इस तरह की चेतावनी कई बार दे चुके हैं। ये कोई पहला मौका नहीं जब ये कह रहे हैं कि जल समाधि लेंगे। और विनय दुबे जो कि एक सोशल वर्कर हैं, उन्होंने भी इस बाबा के बारे में एक बयान दिया है, आप उसको भी सुने। एक भाई साहब अयोध्या से, उन्होंने दावा किया है कि 2 अक्टूबर तक अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो वो कल प्राण की आहुति दे देंगे, जल समाधि ले लेंगे। घबराइए नहीं, ये दावे ना इससे पहले भी बहुत बार ये महंत जी कर चुके हैं। इस बाबा का काम ही यही है कि सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ बकवास करते रहना और अपने ही लोगों को और हिंदू धर्म को बदनाम करते रहना। दोस्तों आपका क्या कहना इस वीडियो पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।